नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी डी इंडिया न्यूज। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र, दिल्ली और यूपी में दिन प्रतिदिन दर्ज हो रहे कोरोना के केस देखकर लोगों में दहशत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने बताया है कि कुछ राज्यों में, जिनमें ये तीन राज्य भी शामिल हैं, बढ़ते हुए केस चिंताजनक हैं। बता दें कि महाराष्ट्र, दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वही मौतों का आंकड़ा बढ़ने से सरकार चौकन्नी हो गई है। मुंबई में कोरोना संक्रमण के 16,420 नए मामले सामने आए, जबकि 7 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 46,723 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 32 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में सक्रिय मामलों की संख्या 2,40,122 है। महाराष्ट्र में ओमिक्रोन के 46 नए मामले सामने आए, जबकि कुल मामले 1,367 हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 27,561 नए मामले सामने आए, जबकि 40 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि फिलहाल दिल्ली में 87,445 एक्टिव केस है, जबकि पॉजिटिविटी रेट 26.22% बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,681 नए मामले सामने आए। फिलहाल राज्य में 57,355 सक्रिय मामले हैं। वहीं राज्य में पॉजिटिविटी रेट दर 5.71% है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,47,417 नए केस सामने आए और 380 लोगों की मौत हो गई। वहीं अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5,488 मामले सामने आ चुके हैं। देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट 13.11% है। बड़ी बात यह है कि देश में आज और कल से 52,697 ज्यादा मामले आए हैं। कोरोना के कल मामले 1,94,720 आए थे। देश में अब तक ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट से 5,488 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इनमें से 2,162 मरीज ठीक हुए हैं। देश में इस वेरिएंट से संक्रमित राज्यों की संख्या अब 27 हो गई है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और देश की राजधानी दिल्ली से आ रहे हैं। आप देश में बढ़ते ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।